हेलो एंड हाउ आर यू ऑल तो आप सभी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी और आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आए हैं जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम मंडे से आपके साथ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे तो आज हम स्टील सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एक श्री सीमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है श्री सीमेंट के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और एच डी एफ सी लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक पीडी इंडस्ट्रीज और एच डी एफ सी इन कुछ शेयर के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लस हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो जहां तक लेट स्टार्ट फ्रॉम द ग्लोबल फ्रंट फिर हम डोमेस्टिक न्यूज और लास्ट में हम अपना साइकोलॉजी uh, ब्लेंड और प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं न्यूज uh, फ्रंट पे अगर हम देखें तो कोविड केसेस में लगातार गिरावट आती जा रही है और uh, जिस तरीके से कोविड का ग्राफ गिर रहा है फर्स्ट ऑफ जून से बहुत से स्टेट्स जो हैं वो अनलॉक की प्रक्रिया आंशिक रूप से कई स्टे, uh, स्टेट कई स्टेट्स से शुरू कर देंगे कई स्टेट्स में 15 दिन और मतलब फिफ्टीन ऑफ जून तक भी ये लॉकडाउन uh, uh, चल सकता है उसके बाद वो आंशिक अनलॉकिंग uh, शुरू करेंगे और धीरे धीरे वो जैसे जैसे केसेस में कमी आती जाएगी वो पूर्णतः अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो ये अच्छी बात है लेकिन हमने देखा कि डेथ रेट्स भी बहुत घटे वीकेंड पे और इस दौरान जो एक चीज फिर से आ गई नई ब्लैक फंगस वाली जो न्यूज़ है तो देखते हैं क्या होता है अभी तक जो कोविड के कम केसेस हैं दिस इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल ऑफ अस और इसके साथ जो हमारी रिजल्ट सीजन चल रही है तो रिजल्ट्स के नंबर और स्पेशली जो मिड कैप कंपनी जैसे उन्होंने नंबर्स पोस्ट किए हैं इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में दैट इज समथिंग आउटस्टैंडिंग सबसे अच्छी चीज है जो इस सिचुएशन में हो सकती है तो मार्केट के पास नंबर्स तगड़े हैं आप देखो श्री सीमेंट के नंबर जो है जी स्टील के नंबर आए ओवर द वीकेंड उम्मीद से बेहतर नंबर्स कंपनियां पोस्ट कर रही हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतने तगड़े क्वार्टरली रिजल्ट्स उस, उसने दिए हैं तो मार्केट में पॉजिटिविटी है पर आज भी आपने देखा होगा बाजार ऊपर से गिर गया लास्ट लास्ट में जाते जाते ही सही झटका देके गया है ऐसा क्यों होता है सभी के जहन में ये बात आती होगी क्यों क्योंकि है ना जैसे ही हमने देखा सात परसेंट की वीकली कैंडल बनी आठ परसेंट की तो क्या होता है ना एकदम यूफोरिया क्रिएट हो जाता है यूफोरिया कैसे क्रिएट होता है कि सभी बाइंग 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 बोलने लगते हैं टीवी चैनल वाले बाय करो ब्रेकआउट आया है ब्रेकआउट आया है और न्यूज पेपर में आप देखो निफ्टी का टारगेट पंद्रह हजार ये तो जब पॉजिटिव माहौल हो जाता है ना तो ये मार्केट है ना फिर दो तीन दिन वो सुस्ती आ जाएगी गिरावट आ जाएगी अब वो दो तीन दिन में इंसान का पेशेंस खत्म हो जाएगा प्रीमियम प्रीमियम गलने लगेगी फिर वो बाहर से निकलेगा और फिर एक बड़ी कैंडल बन जाएगी यही ट्रेंड चलता आ रहा है ना तो ये साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि बाजार किस तरीके से साइकोलॉजिकली uh, काम करता है और हमें किस तरीके से सारी चीजों को कंबाइन करके और एक वाइज डिसीजन लेना है है ना uh, मतलब भेड़ चाल नहीं करनी वो बोला खरीद लो ये बोला खरीद लो नहीं अपनी अकल लगा के सही डिसीजन हमको लेना है ठीक है तो ये बात हो गई न्यूज के फ्रंट पे अब हम क्विकली चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो दिस इज निफ्टी बैंक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू और ये देखिए ये जो लास्ट में गिरावट आई है ना इसकी हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है और इसका कारण है कि जो मार्केट में ये पॉजिटिविटी का माहौल बनाते हैं ना जब मार्केट में ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है सभी लोगों ने खरीदा यहाँ खरीदा यहाँ खरीदा यहाँ खरीदा एंड मार्केट इवेंचुअली फॉल डाउन और जब ऐसी गिरावटें आती है ना तो लोग क्या करते हैं कैरी सबसे इजी चीज क्या है कैरी कर लो दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है कल ऊपर चला जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कैरी वाली पोजीशनें होती है ना ये लोग लेके जाते हैं आप निफ्टी का चार्ट देखिए लेट्स क्लिक ऑन निफ्टी क्या गिरी है मतलब अगर देखें तो आसमान से जमीन तक पूरी दूरी नाप दी निफ्टी ने लास्ट लास्ट में 147 इसका जो आज का लो था 145 का और 171 का लो लगा के गई मतलब टॉप से देखिए 250 से 173 सेवेंटी थ्री ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवेंटी पॉइंट गिरी है आधे घंटे में जाते जाते मतलब लोग बेच के गए हैं इसको तो इस तरीके की जो प्राइस बिहेवियर है वो तभी आती है जब लोग ओवर एक्साइटेड होके खरीदारी करना शुरू कर देते हैं ना बाजार में तब ऐसी चीजें होती है अब हमें क्या करना है एक तो हमें ऐसे ट्रैप्स वगैरह में नहीं फंसना है आपको अगर हमारे साथ ट्रेड करना है तो हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं आप उसको ज्वाइन करिए आप वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेड शोकेस आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए पेड चैनल ज्वाइन कीजिए अब कल के लिए जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है एक सिंपल तरीके से हम कल की रणनीति को समझेंगे ये हमारा ओवरऑल मूव थी दिस वाज योर हाई पॉइंट एंड दिस वाज योर लो पॉइंट ठीक है ये जो हमारी मूव uh, आई थी दिस वाज अ रियल मूव दिस वाज अ रियल मूव और ये मोमेंटम बाइंग थी बाद है ना मोमेंटम बाइंग थी और ये इस दिन का जो लो है ये हमारा लेवल है ये नहीं हमारा है ना कटना चाहिए तो अब जितनी भी गिरावट आएगी ना बाजार में वो कहां तक परमिसेबल है इस ओवरऑल वन सेकेंड आई सेलेक्टेड द रोंग टूल तो अब जो मैक्सिमम परमिसेबल फॉल है या करेक्शन है वो कहां तक है मैक्सिम करेक्शन इज़ अलाउड टिल द फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस कैंडल मैक्सिमम यानी पंद्रह हजार एटी सेवन इज योर फिफ्टी परसेंट लेवल ऑफ ब्रेकआउट कैंडल दिस इज योर ब्रेकआउट कैंडल ठीक बात है ना तो अब हमें ये पता है अभी ये पंद्रह हजार वन एट्टी फोर चल रही है हमारा सौ पॉइंट का ड्रॉडाउन है सौ पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहिए ड्रॉडाउन कहिए गिरावट कहिए जो भी कहिए पंद्रह हजार राउंड फिगर में एट्टी कर देते हैं इस जोन तक हमारा ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है इससे उसके बाद ऊपर जाना चाहिए तो जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग नंबर्स और यूफोरिया है बाजार में मुझे लगता है आने वाले एटलीस्ट वन टू टू डेज है ना बाजार साइडवेज रह सकता है प्रीमियम गलेगी बायर्स को फ्रस्ट्रेट करेगा फिर बाजार ऊपर जाएगा तो आप अगर स्पेशली आप यहाँ पे अगर पुल बैक मिलता है बैक टू वर्ड हाइज तो एक बार बेच भी सकते हैं पंद्रह हज़ार के एक सौ के नीचे यानी फिफ्टीन थाउजेंड नाइनटी का टारगेट रखिए सौ पॉइंट का यहाँ फॉल भी आपको मिल जाएगी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और इस जोन में जैसे ही आती है पंद्रह हज़ार नब्बे अस्सी सत्तर इस जोन में यहाँ पे फिर से हम ऐड करेंगे और फिर वो जो रैली होगी ना वो जाके हाई काटेगी तो जब बाजार में माहौल बनेगा तब नहीं काटेगी ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग और कृपया इन बातों को यूज करके ट्रैप में न फंसे वीडियो बनाने का एकमात्र यही कारण है अगर निफ्टी बैंक को देखें तो ये यहाँ पे ये लो लगाया था निफ्टी बैंक ने ये हाई लगा था और इस पूरी जर्नी का अगर हम देखें तो मैक्सिमम परमिशिबल करेक्शन इज टिल 34127 तो बहुत गिरावट आती है तो 34100 तक आ सकती है पर वो भी मैक्सिमम है मुझे लगता है जितना स्ट्रॉन्ग है और, आ, आ, बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक्स मुझे है ना तो ये 34250 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी फिर भी मौजूदा स्तरों से अगर हम देखें तो 600 पॉइंट के आसपास की फॉल गिरावट करेक्शन आ सकती है आपको जो भी बाइंग करनी है टू 50 से 300 के जोन में ही करें जैसे कि निफ्टी में 15080 150890 इस जोन में आने पे खरीदारी करें अभी ऊपर के भाव पे खरीद के फ्रस्ट्रेट ना हो लॉस में ना निकले ठीक है ये बात क्लियर हो गई अब हम क्विकली अपने स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं पहले हम देख लेते हैं श्री सीमेंट तो ये हमारा श्री सीमेंट है श्री सीमेंट के अच्छे नंबर्स और उसके बाद गिरावट तो इसमें हम अपना एक सिस्टम लगाएंगे और श्री सीमेंट में ये जो यहाँ पे फॉल बनी है इसमें मुझे लगता है कि एक बार इस लेवल को वापस श्री सीमेंट तोड़ सकती है या रीटेस्ट कर सकती है ये जो इसके हाइस थे अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स फिफ्टी फाइव इस जोन में आ सकती है तो आज के दिन के हाई के स्टॉप लॉस से श्री सीमेंट को अभी कैरी में शॉर्ट ट्रेड बरकरार रख सकते हैं अभी ये जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड से बाहर नहीं आया है जब रिवर्सल होगा तब हम इसको पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे अभी नहीं ठीक बात है दूसरी बात हम जे स्टील को देख लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील आज रिकवर करने की कोशिश पे 60 मिनट के चार्ट पे इसने बहुत सुंदर पैटर्न बनाया और हमने भी कोशिश की जे को ख़रीदने की पर हमारी बाइंग एग्जीक्यूट नहीं हुई आज लेकिन जिस तरीके से स्टील सेक्टर है आप अगर निफ्टी स्टील का चार्ट देखेंगे निफ्टी स्टी... मेटल सॉरी निफ्टी मेटल तो मेटल स्पेस में सी एन एक्स मेटल अगर देखेंगे तो ये अच्छी रिकवरी से बंद हुआ है तो निफ्टी मेटल के चार्ट को इंट्राडे में देखिए पूरी कैंडल को ये खा गया पूरी मूव तो मेटल को देखते हुए मुझे लगता है कि जीएसडब्ल्यू हिंडाल को टाटा स्टील ये सभी जाके अब बॉटम आउट होने चाहिए बॉटम आउट की प्रक्रिया शुरू हो गई है एक बार ये शेयर रिवर्स करता है तो वापस ये अपने इस जोन तक ये जो लेवल था सात सौ इक्कीस सात सौ बाईस रुपए तक वापस जाना चाहिए जे एस डब्ल्यू स्टील ठीक है स्टील सेक्टर हमने समझ लिया आईसीआईसीआई बैंक हम देख लेते हैं एक दिस इज योर आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक अपने ऊपर के टारगेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करके अभी इस जोन में है एक दो दिन ये थोड़ा साइडवेज हो सकती है फिर ऊपर जाके नया हाई लगाना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक को फिलहाल एक करेक्शन आ सकती है करेक्शन टू साइडवेज तो थोड़ा सा ये जो ब्रेकआउट लेवल था आईसीआईसीआई बैंक में 635 636 इस इन जोन्स की रीटेस्टिंग कर सकती है तो जो खरीदना चाहते हैं वो इन जोन्स पे खरीदे मौजूदा स्तर पे ना बिकवाली करें ना खरीदारी करें करेक्शन का वेट करें फ्रेश बाइंग के लिए ठीक है पिडीलाइट हम देख लेते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हमने देखा अच्छा चल रहा है शेयर और जाके आज इसने बड़ी कैंडल बनाई चार परसेंट की मेरे हिसाब से पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में अभी थोड़ा मीन रिवर्जन होना चाहिए इसलिए करेंट लेवल्स पे हम बाइंग नहीं करेंगे एक बार इसमें करेक्शन आती है 2000 के नीचे ये स्टॉक आता है कंसोलिडेशन वगैरह करता है क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट लेवल है तो हम एक बार रीटेस्टिंग का वेट करेंगे उसके बाद ही बाइंग करेंगे तो फिलहाल से दूर रहें। अभी भाव बहुत ऊपर जा चुके हैं एच डी एफ सी लिमिटेड एच डी एफ सी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एच डी एफ सी लिमिटेड पूरी साइडवेज है सिक्सटी मिनट में हम देखें तो इसी जोन में अभी चल रही है एक बार पच्चीस सो आठ पच्चीस सौ दस तक एच डी एफ सी आ सकती है वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम देख लेते हैं अच्छे नंबर्स और उसके बाद एक गिरावट आनी बहुत लाजमी सी बात है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि काफ़ी अब ये ऊपर जा चुकी है एक बार वापस ही अपने इस जोन में 400 से लेके 399 के ज़ोन्स की रीटेस्टिंग कर सकती है तो जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा हुआ था वो प्रॉफिट बुकिंग करके स्टेट बैंक से एग्जिट कर दें करेक्शन का वेट करें कंसोलिडेशन का वेट करें फिर रीएंट्री करें और लास्टली हम लोग देख लेते हैं एम एंड एम महिंद्रा एंड महिंद्रा तो एम एंड एम ये है वन सेकेंड गाइस एम एंड एम ऑटो सेक्टर का स्टॉक है और ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है अच्छे एवरेजेस के आसपास है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में जिनको लॉन्ग करना है वो लॉन्ग करके चल सकते हैं मेरे हिसाब से ये शेयर को एक बार 841 से 870 के जोन्स में ये जो कंजेशन एरिया है इस एरिया तक वापस जाना चाहिए ठीक है तो ये आपके सामने सभी शेयर्स की डिटेल्ड एनालिसिस थी आप और किन शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं किन शेयर्स के बारे में आप चाहते हैं हम वीडियो बनाए और ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर ट्रेड वेल एंड थैंक यू सो मच